मैं आपको यूपिन और क्रोसिया की मदद से जैकेट बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने यूपिन लिया है, क्रोसिया लिया है, दो कलर की ऊन लिया है और सुई लिया है। यूपिन से पहले हम लेस बनाएंगे। ऐसी लेस बनाना मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। अगर आपको ये लेस बनाना दोबारा सीखना हो तो कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। इसको पहले हाफ़ कर लें ऐसे, और इधर से हाफ हाफ के बीच में से फिर हाफ़ करके यहाँ से क्रोशिया की मदद से रेड कलर की ऊन लगाएं। ये देखिए इस तरह यहाँ से जोड़ें, नॉट लगा लें यहाँ पे इसको। इस तरह नॉट लगाने के बाद क्रोशिया डालें और यहाँ पे दो चैन बनाएं, एक दो, और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएं। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएं। इस तरह हमें यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाना है, हर एक में एक एक बारी। ये देखिए मैंने हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। इसको ऐसे नाप के देख लें, जहाँ तक ये, जहाँ से ये शुरू किया था यहीं तक बनाना है हमें। इसमें अभी एक और बनेगा, ऐसे बना लें इसके ऊपर। ये हर एक में एक एक बड़ी डबल क्रोशिया बन गया है। अब हमें दो चैन लेनी है, उसको टर्न करना है, इन डबल क्रोशिया के ऊपर ही एक एक लाइन और बनानी है इसी कलर से हमें डबल क्रोशिया की। यहाँ से यहाँ तक पूरी एक लाइन और बनानी है रेड। ये देखिए हमारी ये दो लाइन हो गई है डबल क्रोशिया की। अब हमें यहाँ से लेमन कलर की ऊन जोड़नी है। एक दो चैन बनानी है और टर्न करके इसके ऊपर हर एक के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है हमें। ये देखिए इस तरह जो डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं उनके ऊपर हर एक के ऊपर एक एक बार ही बनाना है, कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है हमें। ये हमारे जैकेट का पीछे का हिस्सा बनेगा। ये देखिए ऐसे डबल क्रोशिया बनाते जाना है यहाँ तक, जहाँ तक रेड का बनाया है। इस तरह हमें दो लाइनें बनानी है लेमन कलर की भी, जैसे रेड की दो लाइनें बनाई हैं। ये देखिए इस तरह ये हमारी दो लाइनें पूरी हो गई हैं, दो रेड की बनाई है, दो लेमन की बनाई है। अब दो रेड की और बनानी है। यहाँ पे ऊन कट कर दें लेमन वाली, एक चैन लेके। अभी हमने रेड ऊन कट नहीं की थी, यहाँ से हमें दोबारा रेड ऊन से जोड़ के दो लाइनें रेड की और बनानी है। इस तरह हमें टोटल छः लाइनें बनानी है। अगर आप बड़े कान्हा जी की बना रहे हैं तो फालतू बनाएं, मैं छः लाइनें बनाऊंगी। दो रेड की बना दी है, दो लेमन की, दो रेड की और बना के इसी तरह फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसके ऊपर ऐसे हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएँ। आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करें। इस तरह ये हमें यहाँ तक बनाते हुए दो लाइनें बनानी है। ये देखिए ये हमारा इस तरह बन गया है। ये मैंने दो रेड की, दो लेमन की, दो रेड की बनाई है, छह लाइनें बना ली हैं। अगर आपको और लंबा बनाना है तो और लाइनें बनाएं। एक चैन लेके ये ऊन यहाँ से कट कर दें। अब इसको हमें इस तरह सिलना है कान्हा जी की जैकेट को। आप चाहे तो क्रोशिया की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सुई से सिलना सिखाऊंगी। ये देखिए ऐसे उल्टी साइड से एक कोने से यहाँ से ऐसे सिलना शुरू करें। ये देखिए यहाँ से कोने से उठाएं और इस कोने को ऐसे सिलना शुरू करें। आप इसको क्रोशिया से भी सिल सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसे सुई से सिलना सिखाऊंगी। ऐसे सिलते जाए, यहाँ से हमें यहाँ तक सिलना है, ये लेमन ऊन तक। ये रेड जो हमने दो डबल क्रोशिया बनाए थे ये नहीं सिलने हैं, ये कान्हा जी की बाजू बन जाएगी। ये देखिए लेमन तक सिल के यहाँ पे नॉट लगा दें।
और ऊन कट करें यहाँ से। ये देखिए ऐसे सिल दिया, पलट के देखिए ये बाजू बन गई है यहाँ से। इसी तरह हमें दूसरी साइड से भी सिलना है। इस तरह ये हमारी दोनों तरह से सिल गई है। इसको ऐसे कॉलर बना सकते हैं। ये बाजू इधर से करना देखिए। इधर हम डोरी या चिट बटन लगा सकते हैं, लगाना चाहे तो। ये आपको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं खुला ओपन में, या इसके ऊपर आगे से बटन, ये फैंसी बटन या डोरी भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको इस टाइप की कोई और चीज़ सीखनी है तो मुझे कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें।